महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष सन्मान नाना पाटोलेजी, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगतापजी, महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष प्रसिद्धजी, आमदार निशांतजी, त्याचप्रमाणे मुंबईचे कार्याध्यक्ष तरणसिंग सप्रा, महाराष्ट्राचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, आज या ठिकाणी राजस्थानचे पूर्व मुख्यमंत्री सन्माननीय सचिन पायलट यांचं आगमन झालेलं आहे आणि सर्व पत्रकार मित्रांशी ते आज संवाद साधणार आहेत. जे राष्ट्रीय प्रश्न आहेत त्याच्यावर आपली मतं मांडणार आहेत. तर सर्वप्रथम मी आपल्या सर्व पत्रकारांचं स्वागत करतो. त्याबरोबर मी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्मान नाना पाटील यांना विनंती करतो, त्यांचं त्यांनी स्वागत करावं. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरामध्ये मुंबईचे अध्यक्ष सन्माननीय भाई जगतापजी देखील त्यांचं स्वागत करतात. मी विनंती करतो सन्माननीय सचिन पायलट यांना की ते जनता पत्रकार परिषदेला सुरुवात करावी. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नाना पाटोलेजी, मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भाई जगतापजी, सप्रा साहब, शान जी, सिंह जी, साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जिस मुद्दे को लेकर आज आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं उस पर बात करने से पहले जो कल घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, मैं समझता हूं उसको पूरे देश ने देखा. और ना सिर्फ एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक किसान होने के नाते, लेकिन देश का आम नागरिक आज देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग किसान आंदोलन को दबा नहीं पाए, किसान आंदोलन को खत्म नहीं कर पाए, उन्होंने एक आक्रामक रवैया अपनाया. मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, तो इतने सारे लोगों की जान गई, वो निर्दोष किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ उसकी जुडिशियल जांच हो. और जिस प्रकार 25 सितंबर को स्थानीय मंत्री के माध्यम से किसानों को उकसाने का जो काम करवा उसके बाद लगातार आग निकलती गई. पर क्या कारण है कि भाजपा शासित प्रदेशों में किसानों पर इस प्रकार के आक्रमण होते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब, उन्होंने कल क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने लोगों को उकसाया, गांव में लाठियां उठा लो और किसानों को सबक सिखाओ, ये जान से मत डरो. अगर सत्ता में बैठे लोग, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग लोगों को उकसाने का काम करेंगे, हथियार उठाने का काम करेंगे, लड़ने का, हिंसा करने का अगर अनुरोध करेंगे, तो देश की जो स्वस्थ परंपराएं हैं हमारी लोकतंत्र की, उनकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी. उत्तर प्रदेश में जो भयानक हादसा सामने आया उसको देखने के बाद सबका दिल बहल गया. और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमत प्रियंका गांधी जी, जब वहां जाना चाहती थी, जिन लोगों के नौजवान बच्चों को मारा गया उन लोगों के आंसू पोंछ के जाना चाहती थी, तो पूरी रात पुलिस का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार ने दुर्व्यवहार किया. सो किया एक महिला नेत्री के साथ दुर्व्यवहार किया, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है. इस पूरे घटनाक्रम हम सब लोग सर्वसम्मति से बहुत भर्त्सना करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि स्टेट की जो एजेंसी है वो इस सच्चाई तक ना पहुंचना चाहती ना पहुंच सकेगी, इसलिए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जिन लोगों के ऊपर आक्रमण किया था जो लोग दोषी हैं जांच करने के बाद संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा को दी जाए. साल भर से किसान आंदोलित है, इस देश में धरती का पेट फाड़ कर जो अनाज पैदा करता है, 130 करोड़ के मुल्क का जो पेट पालता है, उस किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो सब देख रहे हैं. कानून वापस लेना तो एक बात, लेकिन हिंसा को बढ़ावा देकर इस प्रकार से लोगों की जाने गई है लखीमपुर में, मैं समझता हूँ उससे केंद्र सरकार को सबक लेना चाहिए. और बजाय इसके कि अपनों को, भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को बचाने की बजाय एक स्वतंत्र जांच हो और जिन लोगों ने भयानक हादसे को अंजाम दिया
उसकी तह तक जाकर कठोर कदम उठाने चाहिए और पुलिस प्रियंका के साथ प्रेशर के जो बर्ताव की हम सबने देखा, ये मैन हैंडलिंग किसी एक नेता के साथ करना, मैं समझता हूँ डर गई है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार। साथियों, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सब ने प्रण किया है कि हम अपने अन्नदाताओं के मान सम्मान के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पोषण को बचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। हमने कभी भी राजनीति नहीं करी, किसान आंदोलन को समर्थन किया, हर मूवमेंट के साथ खड़े रहे और आज जब उत्तर प्रदेश में मनमानी कर रही यूपी पुलिस एंड यूपी गवर्नमेंट इज इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग बियॉन्ड द लॉ ऑफ द लैंड, आज की बात नहीं, पिछले 4.5 साल में लगातार यूपी गवर्नमेंट हैज शोन दैट दे वांट टू एक्ट बियॉन्ड द लॉ ऑफ द लैंड। और जिस प्रकार से लोगों को धमकाया गया, लोगों को डराया गया, वो बहुत पीछे रह गया। कल के बाद ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा की सरकार और भाजपा पार्टी नहीं चाहती कि किसान फले फूले आगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है, उसको कंडेम करती है और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय जांच हो, दोषियों को सजा मिले, मुआवजा दिया जाए, सरकार माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार के हिंसा को कोई अंजाम ना दे सके, इस प्रकार का कदम भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और 21,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद हुए मुंड्रापुर गुजरात के। किस तरह उस पूरे खबर को दबाया गया, मैं समझता हूं हम सब समझते हैं कि इतना बड़ा 3,000 किलो का ड्रग्स जब इस देश में आ रहा है और सूचनाएं मिली है कि कोई विशाखापट्टनम की कंपनी उसने इंपोर्ट किया कंटेनर कैलका पॉटर के नाम से। सवाल यह है कि अगर विशाखापट्टनम की कंपनी है तो गुजरात के पोर्ट में सामान क्यों आ रहा है, ये चेन्नई पोर्ट पे क्यों नहीं, ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और राष्ट्र सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ना सिर्फ इसमें लाचारी दिखती है सरकार की, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई मरतबा इस मुद्दे को उठाया, नौजवान पीढ़ी को नशे की लत में धकेलने की तरफ जो कदम उठ रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने डिमांड करी है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें, क्योंकि गुजरात सरकार कभी इसकी तह तक पहुंच सके ऐसा हम लोगों को समर्थ दिखाई नहीं देता। द ह्यूज हेरोइन ड्रग्स स्कैंडल दैट ब्रोक आउट, इट हैज बीन अंडरवे एंड वी बिलीव दैट व्हाट इज गोइंग टू बी ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटायर स्मगलिंग ट्रेड दैट इज टेकिंग प्लेस। इट इज आल्सो अलेज्ड दैट प्रायर टू दिस drugs worth thousands of crores, in fact more than 1 lakh crores were actually brought into India and have gone unchecked. But what was caught? वहाँ का जो court है, वो गुजरात, उस court ने कहा कि DRI को arrest करना चाहिए, investigate करना चाहिए। सरकार ने अब तक कोई कदम उठाया नहीं। इतनी बड़ी छापेमारी के बाद जब कुछ पकड़ा गया तो अभी तक कोई सार्थक कार्य इस पर हुई नहीं। And we believe they are playing with the future generation of India. गुजरात सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जागरूक नागरिक और हमारा जुडिशरी, हम सब डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच की जाए ताकि सच सामने आए और भविष्य में ये जो ड्रग का ट्रेड का बना हुआ साइकिल उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रभावी काम जो कर सके। साथियों, केंद्र की सरकार को अब 7.5 साल हो गए और लगातार देश में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही है। इस देश में जितनी अराजकता, जितनी अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी महंगाई आज है शायद पहले कभी नहीं। पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपए में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, छोटे उद्योग ठप पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं, नौजवानों को जो उम्मीद थी वो सब खत्म हो गई, मध्यम वर्ग परेशान है, छात्र परेशान है। सबसे खतरनाक बात यह कि देश में जो वातावरण बना है वो टकराव का, हिंसा का, इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने के जो जिम्मेदार है वो सत्ता में काबिज है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक चुनौतियां हैं
उसका सामना करने के लिए न सिर्फ हमारी पार्टी हमारे सहयोगी दल मिलकर काम करें। केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 साल में नाना प्रकार के बहाने दिए, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने नारे दिए लेकिन धरातल पर कारगर कुछ नहीं है। आज हम आइसोलेट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे पड़ोसी झगड़े पड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारी छवि गिरी है। बावजूद उसके लगातार इश्तिहार छापकर मार्केटिंग करकर अपनी पीठ दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को घेरेगी। आज देश भर में जो रोष में है, यूपी में जो घटना हुई है उसके विरोध में न सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इन संपूर्ण प्रदेश और देश में कांग्रेस जन आज सबको बनाएगा, सब विरोध करेगा। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो नकाब खोलता है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार आज किसानों को मरते हुए देख रहे हैं। कितने किसान खुदकुशी कर चुके, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, केस हो रहे हैं कि जाने जा रहे हैं। इस सब से बचने के लिए हम सब नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि आए सामने, साहस से लड़े और राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक माध्यम से लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी का 130 साल पुराना इतिहास रहा है, हम सब अहिंसा में विश्वास करते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इनकी जो कारगुजारी रही है, चाहे गुजरात में ड्रग्स का पकड़ा जाना हो, चाहे किसानों पर लगातार आक्रमण हो, चाहे इकॉनमी का मिसमैनेजमेंट हो, सिर्फ खोखले वादे दिए गए, लोगों के खातों में पैसे आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें आप जनता पूछना चाहते हैं। लगातार आईना दिखाना, अकाउंटेबिलिटी सेट करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग इस बात को सड़कों तक लेकर गए हैं। चाहे वो हमारे विधायक हों, सांसद हों, कार्यकर्ता हों, लगातार इस पर हम आगे काम करते रहेंगे। लेकिन आज मुझे दोबारा मैं रेखांकित करना चाहता हूं, इस देश का किसान भाजपा को रिजेक्ट कर चुका, भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी परछाई के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचा नहीं सकती। जिस तरह लोगों की आमदनी कम हुई है, लोगों की जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है और जो व्यवहार किया गया, आज देश की राजधानी दिल्ली लगातार दिल्ली में सर्दी में गर्मी में 1 साल से किसान बैठे, और हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री ने लोगों को उकसाया हिंसा करने के लिए, और उत्तर प्रदेश में जो हुआ परिकाष्ठा हो गई है, मतलब वो सब कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और आज भी आप रवैया देखिए, यूपी की सरकार बोलती है कि किसानों ने हम पर अटैक किया है। मैं कहता हूँ सरकार के व्यक्तित्व को परे छोड़ दीजिए, एक जुडिशियल जांच हो, सच्चाई के तह तक हम लोग पहुंचे और जल्द से जल्द लोगों को सजा मिले जो दोषी है। और इस प्रकार के अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, हाथरस में घटना हुई थी उस समय राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जाना चाह रहे थे, तमाम पुलिस लगा दी गई, तब रात को अगर प्रियंका जी वहां जाकर उनसे मिलना चाहती हैं उसमें क्या बुराई है? और कानूनी कोई प्रावधान नहीं है, धारा 144 में 4 लोगों से कम जा सकते हैं। प्रियंका जी सिर्फ 3 लोग जा रहे थे बिना किसी वारंट के, बिना किसी दस्तावेज के उनको रोका गया, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिटेन किया गया। मैं समझता हूँ उससे ज्यादा डरी हुई सरकार कोई नहीं हो सकती, जब एक महिला नेता को किसी के गांव जाने से रोका जाए, पूरी पुलिस लग गई, छावनी बना दी पूरे इलाके को, ये सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन देश का किसान सच्चाई समझ चुका है और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आपके कोई सवाल हो? इतना बड़ा ड्रग्स का सीजन वहाँ पे हुआ है, कल ही मुंबई में घटना होती है, एक पार्टी में कुछ ड्रग्स बरामद किए जाते हैं, उसी लेकर चर्चा होती है। इन दोनों घटनाओं का दो चीजें यहाँ पर, एक इन दोनों का कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि छोटी घटना को ज्यादा तूल दी जा रही है और बड़ी घटना को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है एंड लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स। ज्यादा तूल कौन देगा? आप ही तो दे सकते हैं, हम लोग तो मुद्दे उठाते हैं। मैं तो कहता हूँ लेकिन इतने बड़े बड़े जो स्कैंडल हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो सीजर्स हो रहे हैं, उसका मास्टर माइंड कौन है? दिल्ली में, मुंबई में ये जो ड्रग्स हम सड़कों में बिक रही है, नौजवान ले रहे हैं, वो आता कहां से? इसके जड़ तक पहुंचना चाहिए। And I believe we must take action against anyone who violates the law. But when there is a huge import of drugs for thousands of crores of rupees, the court has directed the Department of Revenue Intelligence must investigate what actions has government of India taken. What is the transparency in the investigations?
where is the accountability? Who is responsible? Who runs the court? Who is the state government? Who is the officer in charge? We must hold people accountable who are taking the young people of our life. उनके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं. उन लोगों के लिए कौन जिम्मेदार? This is the pen. ये तो पैसा है. It's illegal money. It is going towards perhaps anti-India activities. It is a matter of national security. Who has stood up and taken a stand on this in the government of India? Who has assured the people of India that this will not happen again? अगर हम सवाल पूछे, जवाब करना चाहिए ना उसका. सचिन जी, एक सवाल. यूपी में धारा 144 कल से लगाई गई है. आज रात की सरकार कह रही है कि वहां पर राजनीतिक टूरिज्म ना करें. राजनेता जाकर के वहां पर नुकसानी की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जांच इसकी शुरू है और हमने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया. देखिए, सत्ता में बैठे लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक कार्यकर्ता की नाते बड़ी जिम्मेदारी है. कहीं पर हादसा हो जाता है, किसी का दुख बांटना है, आंसू पहुंचते हैं, सांत्वना देनी है, ये तो मानवता हमारा अधिकार है. As human being, अगर आप वहां पर जाकर कुछ पॉलिटिकल भाषण देते हैं, आप नुकसान की बात करते हैं, तो आप कार्रवाई करिए. लेकिन आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हवाई पट्टी पे लैंड करने की परमिशन नहीं दी. पहली बार हम देख रहे हैं. 144 कहां लगा? लखीमपुर में. लखनऊ में हवाई पट्टी अभी एयरपोर्ट है. भूपेश बघेल जी के हवाई जहाज को लैंड करने की परमिशन ना देना, पंजाब के उप मुख्यमंत्री को लैंड करने की परमिशन ना देना, ये कहां का काम होने वाले? और ये कुछ ये सब मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ये कोई इंस्टीट्यूटर नहीं है, ये कोई गैर सामाजिक तत्व नहीं है, ये जिम्मेदार लोग. अगर वहां कोई जाता और ऐसी कोई घटना होगी जिससे पुलिस एक्शन ले सकती, लीजिएगा. लेकिन प्रियंका गांधी, दो लोग साथ जा रहे हैं पैदल पैदल उस गांव में उनसे मिलने के लिए, क्या खतरा है उनको वहां पर? उनको गले लगाना, जो दुख हुआ है, जिसका 22-23 साल का बच्चा मरा है, उसकी माँ के आंसू की सोची थी हम लोगों. इसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी क्या है, वहां पर जाए उनकी मदद के बाद करो. खुद वहां जाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, वो भी जाए वहां पर. घटना हुई है ना, किसी की मौत हुई है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. एक उनकी मारपीट, एक उनका दंगा, किसी की जान चली गई है, उस व्यक्ति के घर मातम है, उसको गले लगाने में क्या कानून दूसरा है? और ये काम वही कर सकते जो घबराए हुए. तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार एक्सपोज हो चुकी है. राजनीति नहीं, ये तो हम सबका एक फर्ज है, एक इंसान के नाम. और ये पहली बार नहीं हुआ. यूपी सरकार का रिकॉर्ड आगे देख लीजिए आप, उनका जो कार्यशैली है बिल्कुल इसी प्रकार की. सचिन जी, कांग्रेस में अनुशासन का जो एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, अभी हमने पंजाब में देखा, पिछले साल राजस्थान में आप जो कह रहे थे वो भी हम लोगों ने देखा. तो ये पूरा, और अभी कपिल सिब्बल ने जो मुद्दा उठाया कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का, यूथ कांग्रेस के नेता जाकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन जो एक बड़ी समस्या है जो आप बीजेपी की ओर देख रहे हैं. पहले कांग्रेस को खुद को अंदर झांकने की जरूरत थी कि अध्यक्ष का चुनाव हो और एक जो डिसिप्लिन आए पार्टी में, वो एक बड़ा मुद्दा है. हमारी पार्टी के अंदर जो कुछ भी है, हम मिलकर चर्चा करके उसका एक बेस्ट ऑप्शन निकाल के काम करेंगे. तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात, आज मैं इस देश की बात कर रहा हूँ, इस लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ. ये जो हमने 70 साल में संस्थाएं पैदा हुई हैं देश में, ये ऐसी नहीं, बहुत कुर्बानियां हुई हैं उनका. अगर कोई उन संस्थानों की जड़ों को खोखला कर रहा है, इतने बड़े राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों पर तो जवाब दे नहीं, तो ये पॉलिटिकल पार्टी से एक बड़ा मुद्दा है. मैं उस मुद्दे को छीनने के लिए यहाँ पर आया हूँ. और मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी को ये आजादी है कि अपने अंदर वो क्या निर्णय लें, भाजपा में क्या घटनाक्रम है, वहाँ क्या निर्णय है, उनसे पूछेगा. हमारी पार्टी का हम लोग जवाब देंगे. लेकिन आज मुद्दा देश का है, एक सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है और राष्ट्र सरकार का है, और वहाँ पर हमें कोई जवाब मिलता नहीं है. हम कितने बार पूछते हैं ताकि सबके जवाब. किसान नेता और प्रशासन, यूपी प्रशासन के बीच में समझौता हुआ है, 45 लाख तक कम होगा चार लोगों, चार किसानों को, और जैसे आपके मान लीजिए वो भी मान लिया गया, तो आप संतुष्ट हैं या फिर और कुछ? मुझे समझौते की डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो कल रात का जो घटना का था, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे महासचिव हैं, अगर वो एक नागरिक के तौर पर जाना चाहते थे तो ऐसी कौन सी विडंबना थी, ऐसा कौन सा राष्ट्र को खतरा था उनको जाने से रुका गया? और सरकार ने अगर वो कदम उठाया है तो कोई एहसान नहीं किया. अगर उठाया जब वो तो दबाव पूरे देश का है और पूरे मुल्क में हम लोग दबाव को उठाएंगे. इस प्रकार किसान अगर मरेंगे तो हमारे अन्न पैदा करते हैं, उनकी जान ले ली चली जाएगी, और तो जवाब देनी होगी, तो उसका रिएक्शन तो होगा. मुझे जानकारी नहीं कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या समझौता किया है, लेकिन हम न्याय चाहते हैं. और जैसे मैंने कहा, इसका न्याय तब होगा जब एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी, स्टेट की एजेंसी को न्याय दे, ऐसा हमें लगता है पॉसिबल. सचिन जी,
पाकिस्तान टाइम एक एक टिकट देखना है सबको मिले With due respect to the Honorable Supreme Court, I think to protect, to protest in this country is a constitutional and fundamental right. Yes, public property must be saved, people must not be inconvenienced, and we must not take law into our hands. But I think to be able to represent your anguish and your helplessness towards something that is contrary to my future and fate, it is the right of every citizen. And within that right, I think farmers are free to protest, and protesting is a healthy option at a moment. Nobody can take away that option from you. And but for 1 year, must not Supreme Court ask the government of India? एक साल से यहाँ लोग बैठे हैं, कितने लोग मर गए, ठंड में, गर्मी में, लगातार आप कुछ कर नहीं रहे. So I think the Honorable Supreme Court must also be cognizant of the fact that the government of India has not taken appropriate action to use for it. जी, बताइए. अच्छा, ये राजस्थान जो रसवाल है, 2 अक्टूबर को उनका कैसे डेवलप? मैं राजस्थान की बात में तो हाँ. आप लोग मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में ये डिस्कशंस चलने जो निर्णय लेने हैं वो एआईसीसी के अंदर लेते हैं और एक नई बात नहीं हर पार्टी में अलग अलग समय पर सही समय देखकर सही निर्णय ले जाते हैं कब क्या होगा इसका निर्णय दिल्ली में एआईसीसी वाले हमारी तक करने The families must be compensated adequately, not just financial compensation, but whatever best to be done for the families, future that must be secured. But more than that, what we want is the UP government to take cognizance of the fact that law and order has collapsed in that state. If people are doing these kinds of bloodshed on the streets of the state, then UP government must look inwards. And assure the rest of the country, India is UP is the largest state in India. UP government, I think, must come forward and tell us what it will do to protect the interests of the farmers, what step it will take to make sure there's transparency in the function of the police, because there is come under question, not just this incident. पिछले चार साल से आप देख लीजिए लगातार वहाँ पर question mark आ रहा है पुलिस की working और पुलिस की functioning के लिए. तो the Yogi government must come forward today and tell the people of this country what they will do in the next 2 weeks to make sure that there is confidence in his governance. सवाल ये है कि अगर आपके नेशनल लेवल पर चंदन सिंह जी ने चंदन सिंह राजपूत जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था अगर आपको नेशनल लेवल पर कोई जवाबदारी मिलती आज का जो जलवा था एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का समय था तो व्हाट डू यू फील व्हाट इज योर रोल ऑन दैट हम सब की बात कर रहे हैं हम सब की बात जब जब पार्टी ने दायित्व दिया संगठन का स्पीकर का सरकार का आइए ना तू आप मुझे मास्क लगा लो लोग
मोदी की बात में। सचिन जी मेरा सवाल ऐसा है, आप राजस्थान के सीएम कब बनने वाले हैं? छह महीने पूरे देश ने देखा है राजस्थान में क्या कर रहा है। यू आर अवार्डिंग द स्पेशल ईयर। नहीं आज का विषय क्या आपको लगता है फिर से ये एक इसका सबसे ये कहेंगे आज का जो सब्जेक्ट है किसान को किसान जो है हमारे देश का बड़ी पहचान है और पहचान को ही उजला जा रहा है मुझे भी विचारधारा से यही सबसे बड़ा इशू है इसलिए विषय को डाइवर्ट मत करो। ये आपके सबके मन के प्रश्न है जब प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा है तो मैं जल्दी हम करेंगे।